न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं अच्छी खास खबर। केंद्र सरकार सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदान कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के कंपनी में नई जान फूंकने के लिए विनिवेश के अलावा उसे बंद करने के विकल्प पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2017 और 18 के अंत तक कंपनी का कुल घाटा 31,287 करोड़ रुपए तक पहुंचने के बाद BSNL के शीर्ष अधिकारियों की केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन के साथ बैठक हुई है। इसके बाद यह निर्देश सामने आया है। एक तरफ सरकार ने BSNL में नई जान फूंकने के विकल्प पर विचार करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी को बंद करने को लेकर विश्लेषण करने की भी बात कही है। भारी तादाद में बढ़ी कर्मचारियों की मुसीबत, कर्मियों की संख्या घटाने के लिए उसने VRS या सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल की बात कही है। VRS से होगी 3000 करोड़ की बचत। VRS के संबंधों में कंपनी ने कहा है कि वह उसके लिए 56 से 60 साल की उम्र वाले कर्मचारियों को टारगेट करेगी, जिससे 67,000 कर्मी इसके दायरे में आ जाएंगे। BSNL ने अपनी जमीनी और बिल्डिंगों से आय उपार्जित करने का भी सुझाव दिया है, जो 15,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी लगातार घाटे से जूझ रही है। पिछले वित्त वर्ष तक BSNL का कुल नुकसान 31,287 करोड़ रुपए रहा है, जिससे कि उसकी कमर टूट गई है। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज़ के साथ। MNS न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।